गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस मितालीगौड़ और आज मैं आपको मीरा की शेष पदावलियाँ पढ़ाऊँगी। इससे पहले के वीडियो में आपने मीरा की पदावलियाँ पढ़ी और उसी चैप्टर में जो पदावलियाँ बाकी रह गई हैं वो मैं आपको आज पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, आपको इन पदावलियों के अर्थ पढ़ने हैं और साथ ही साथ एक काव्य का रजिस्टर बनाना है जिसमें आप इसके अर्थ लिखेंगे। जब हमारा स्कूल खुलेगा तब हम उसको देखेंगे। तो इसी में अगली पदावली है, मैं तो सांवरे के रंग राची। अब इसमें जो है मीरा श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हैं और कह रही हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, यानी मैं श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हूँ और साज सिंगार बांध पग घुंघरू, और मैंने सारे साज सिंगार किए हैं और पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं। लोक लाज तज नाची और मैं संसार की लोक लज्जा को त्याग कर नाचती हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, कुमति यानी बुरे विचार, और जितने भी मेरे बुरे विचार थे वो सब समाप्त हो गए हैं। साधु की संगति यानी मैंने अब साधुओं की संगति ले ली है, अब मैंने सज्जन व्यक्तियों की संगति प्राप्त कर ली है, इसी कारण मेरे सारे बुरे विचार जो हैं वो समाप्त हो गए हैं। लोक भगत रूप भई सांची, और अब मैंने सच्चे भक्त का रूप प्राप्त कर लिया है। गाए गाए हरि के गुण निस्दिन, और हरि के गुण यानी श्री कृष्ण के गुणों का गान दिन रात करने के कारण काल ब्याल सुबाची, मैं काल रूपी सर्प के जाल से भी बच गई हूँ। कहने का तात्पर्य है मैं तो मृत्यु से भी बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारा लागत, अब यहाँ मीरा कह रही हैं कि उनके बिना ये संपूर्ण संसार जो है स्वाद रहित लगता है, और बात सब कांची और सारी बातें जो हैं वो झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली जांची, अब यहाँ श्री कृष्ण के लिए वो कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप से मेरी ये याचना है कि मुझे ये आनंदमयी भक्ति हमेशा ही प्रदान करें, या फिर कह रही हैं कि श्री कृष्ण से आनंदमयी भक्ति की याचना करती हूँ मैं। थैंक यू।